राकेश जी, ये मशीन आपकी जो इतने चारे बता रहे हो, ना काट सकी, क्या करोगे आप? अगर एक भी चारा अगर नहीं काटे तो मशीन फ्री छोड़ देंगे सर। क्या क्या काटोगे? सब कुछ, गन्ना, नेपियर, ज्वार, बाजरा, मक्का, रिजका, सब कुछ। इसमें आप लकड़ी भी मैं आपको काट के दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में। फ्री दोगे मशीन मेरे किसान भाई को, ना काट सके तो? बिल्कुल सर, फ्री देंगे हम आपको मशीन। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ केकड़ी राजस्थान के अंदर। दिखा रहा हूँ, ये चाप कटर मशीनें आपके सामने हैं, अलग अलग मॉडल के अंदर ये चाप कटर मशीनें दोस्तों आपके सामने हैं। दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ राम एग्रो इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री पर आप काफी विश्वास करते हैं, इनकी चाप कटर मशीनें किसान भाइयों को काफी पसंद आती हैं। 2023 के अंदर नए बदलाव के साथ चाप कटर मशीनें लॉन्च किए इन्होंने। पूरी जानकारी लेता हूं, हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार सर, और आपकी और आपकी टीम का हमारे राम एग्रो पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हम किसान भाइयों के लिए जो 6 मॉडल दिखाने वाले हैं जी, उस सभी मॉडलों को हम किसान भाइयों को भी बताने वाले हैं कि आपके पास एक पशु से लेकर 100 पशु है, 200 पशु है, बड़ी गौशाला भी हो जी, उन सभी प्रकार के मॉडल किसान भाइयों के लिए हमने लॉन्च किए हैं। अच्छा, और संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली। राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आप नए नए बदलाव के साथ चाप कटर मशीनें समय समय पर लाते रहते हैं। हमारे किसान भाई आपको काफी प्रेम देते हैं क्योंकि आप क्वालिटी पर काम करते हो। तो आज की हम वीडियो में आप हमारे किसानों को नया क्या दिखाने वाले, जो किसानों ने पहले वीडियो देखी अपनी काफी प्यार दिया उस पर जो है, आज क्या नया इन मॉडलों के अंदर आप दिखाने वाले हो, इस मॉडल से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मॉडल जंबो मॉडल से। अच्छा, इसका हमने नाम है, इसका नाम है जंबो मॉडल जी, क्योंकि ये जो मॉडल है ये लकड़ी भी काट सकता है, जैसे नीम की जो लकड़ी आपके पीछे पीछे पड़ी हुई है, ये 1 इंची मोटी ये नीम की लकड़ी भी हम आपको आज वीडियो के अंदर जी, ये वीडियो के अंदर हम आज आपको काट के दिखाओगे। और ये लकड़ी ज्वार पड़ी है, बिल्कुल। इस मॉडल की क्या खासियत है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस मशीन की जो फिटिंग होती है, हमने इसकी चादर की जो कटिंग करते हैं हमारी मशीन में, सीएनसी कटिंग होती है हमारी मशीन। अच्छा, हम आपको दिखाने वाले हैं जी, जो चादर एंगल हम काटते हैं मशीनों में, बिल्कुल वो हमारी प्लाज्मा कटिंग से होती है। अच्छा, कहने का मतलब ये जो आप डिजाइन देख रहे हो, अच्छा ये प्लाज्मा कटिंग का है, प्लाज्मा कटिंग का है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब जो प्रॉपर तरीके से काम होता है इसमें, बिल्कुल फिनिशिंग एक नंबर आती है, और किसान को कोई नुकसान इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, होने वाला बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले इसमें जी अंदर के व्हील के बारे में। ये जो व्हील है 20 इंची इसकी लंबाई है, 12 एमएम इसकी मोटाई है। लकड़ी काट पाएंगे ये? सबसे बड़ी बात है इसमें ब्लेड, जो हमने ब्लेड लगाए हुए हैं जी, ये 8 एमएम मोटे हाई कार्बन स्टील के पुजारी कंपनी के ओरिजिनल इसमें हमने ब्लेड लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, इस ब्लेड के माध्यम से ही आज हम आपको लकड़ी भी काट के दिखाएंगे, और किसान भाई से लकड़ी, गन्ना, ज्वार, बाजरा सब कुछ इससे काट सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, किसान भाइयों को अगर वो गिल्ला चारा काटता है तो उसको 6 महीने में सिर्फ एक बार धार लगानी है, और ये ब्लेड 6 से 7 साल तक कभी खराब नहीं होंगे। ये सिस्टम जो दिया गया है, मुट्ठा मुझे लग रहा है कि जैसे अटक जाए तो उसे आगे पीछे करने का है क्या भाई? बिल्कुल सर, ये गियर वाली मशीन है जी, इसमें हमने एक गियर बॉक्स लगाया हुआ है, बिल्कुल हाई कार्बन की, इसमें गिरारी स्टील की हमने इसमें यूज की हुई है जी, लॉन्ग टाइम ये गियर बॉक्स चलने वाला किसान भाइयों को। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसान भी चारा देता है जी, तो उसे अगर मान लीजिए चारा ज्यादा लग गया, कहीं चारा अटक गया, तो एक रिवर्स गियर हमने इसमें लगाया हुआ है जी, जिससे आप इस मशीन को उल्टी घुमा सकते हो। अच्छा, हम आपको दिखाने वाले हैं जी, और जो बहुत से मॉडल आपको मार्केट में मिलेंगे उसमें वो कहते हैं कि हमारी मशीन में गियर लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन सर गियर का मतलब होता है कि अगर रिवर्स अगर आपकी मशीन में अगर काम करता है तो उसे गियर बोलते हैं। अगर आपको कुट्टी अगर मोटी वारी करनी है वो गियर काम तो कर रहा है लेकिन रिवर्स काम नहीं कर रहा है। अच्छा, हमारी मशीन में रिवर्स गियर भी काम कर रहा है सर। राकेश जी अब तो इसका आगे तो मैं डेमो बाद में देखूंगा, लेकिन इसका अच्छा सबसे अच्छा मुझे जो है किसान भाइयों, सेफ्टी कवर इतना बेहतरीन लगाइए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर माताएं बहनें 70% कुट्टी काटती हैं, जो टोका मशीन से कुट्टी काटने का काम करती हैं तो महिलाएं करती हैं, बिल्कुल उनके लिए राकेश जी ये सेफ्टी कवर बहुत अच्छा दिया और मजबूत दिया। सर आप देख सकते हो पीछे चेन कवर था, यहाँ हमने एक कवर लगाया हुआ, बिल्कुल जहाँ हम मुट्ठा देते हैं बिल्कुल वहाँ पे भी हमने एक ऊपर कवर लगाया हुआ है। हाँ, मतलब साड़ी वगैरह ना आए, या अगर किसान यहाँ खड़ा होके अगर चारा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमने रोलर इसमें 3 लगाए हुए हैं ताकि यहाँ चारा रखने के बाद भी चारा अपने आप अंदर चला जाएगा। अच्छा अच्छा, रोलर की क्या क्वालिटी है? ये रोलर की क्वालिटी है कि इसमें अलाइड कंपनी का हमने ये एमएस का ये यूज किया हुआ है। अच्छा, चारा को यहाँ रखना है, अपने आप चारे को अंदर लेके चला जाएगा। अब हम बात करेंगे इस मशीन को जम्बो मॉडल हमने जो नाम दिया है जी, वो नाम दिया है इसकी क्वालिटी की वजह से जी। इस मशीन की वेट की अगर हम बात करें तो 170 किलो इस मशीन का वेट है,
अच्छा 176 किलो इसका वेट है, 170 केजी इसका वेट है, मशीन का विथ मोटर 200 प्लस इसका वेट है। अच्छा, और 7 इंच इसका टापा है और मच्छी प्लेट मतलब चक्र प्लेट के अंदर हमने मशीन लॉन्च की। अच्छा, जैसे क्या मान के चलो कोई किसान भाई इसका मुंह देख पा रहा हूँ, बिल्कुल चारा इधर से निकलेगा या नीचे की तरफ भी निकाल, इसमें दो मुंह है, ब्योर एक मुंह तो नीचे हमने मुंह खोल रखा है, हाँ इधर से हमने बंद कर रखा है। अगर किसान भाइयों को ऊपर वाले चारे से कुट्टी निकालनी है उसको बाहर निकालो और उसको आप नीचे लगा दे। अच्छा अच्छा, ये इधर रख जाएगा, इसमें काम करने वाले। अब ये आपने मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से जैसे मान के चलो हमें अपना हरा चारा ट्रोली में भरना है, बिल्कुल, या कुछ हमें छोटी वाली ट्रोली के अंदर भरना है तो हमें डायरेक्टली डायरेक्ट भर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से किसान होते हैं कि हमको दो मुंह वाली मशीन चाहिए ताकि अगर किसी किसान के जगह रखने में दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट मशीन नहीं होती है तो उसको यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी कितनी है और कितने पशुओं पर सही काम कर रही है? तो ये मान के चलिए अगर आपके पास 100 पशु भी है उससे ऊपर भी पशु है, अच्छा, तो भी ये मॉडल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला। मतलब कि कहने का मतलब ये है जो किसान भाई डेयरी फार्मिंग करता है और अच्छा चारा पशुओं को खुलाना चाहता है तो चाहे धान हो चाहे आपका हरा चारा हो सुपर नेपियर हो गन्ना हो सब काटेगा, सब काट सकता है। और आपने बात करी है कि किसान भाई का डेयरी फार्म यूज करते हैं जी, अगर किसान भाई का डेयरी फार्म यूज कर रहे हैं उनके पास 100 से ऊपर पशु है, बिल्कुल, और अगर उनके पास ट्रैक्टर की सुविधा है तो हमारे पास एक ऐसा मॉडल भी है जो ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलने वाला है। अच्छा, ये है क्या मॉडल? बिल्कुल सर, ये वही मॉडल है। इसके बारे में बताइए सर, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी कि जहां मान के चलो बिजली का सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, ट्रैक्टर है अपना चला सकता है। क्या क्वालिटी है सर इसकी? जो इसकी जो क्वालिटी है 1 घंटे के अंदर ये 3000 किलो चारा काटने में सक्षम है ये मशीन। अच्छा, बहुत ही हेवी क्वालिटी की 230 किलो इस मशीन का वेट है। इसमें हमने एक सूंड भी लगाई हुई ताकि किसान भाई डायरेक्ट ट्रॉली में चारे को भर सकता है। और इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस प्रकार से काम करने वाली है मशीन। सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं क्रॉस के बारे में जी, जो आप क्रॉस देख पा रहे हो जी, ये एक तरफ आपको मशीन में लगाना है और एक तरफ आपको ट्रैक्टर में लगाना है। जैसे ये लग गया जी, अब आपको इसको ट्रैक्टर में लगाना है, बिल्कुल। और हमने इसमें जोड़ने का सिस्टम भी दिया हुआ है, किसान भाई इसको कहीं भी ले जा सकता है जोड़ के, चाहे तो नीचे मोटर भी लगा सकता है। और मोटर की बात करें तो किसान भाइयों एक एक्स्ट्रा पुली हमने इसमें लगाई हुई है। अच्छा, अगर कोई किसान चाहे तो इसमें मोटर भी लगा सकता है। अच्छा, बात करें सर इसके वेट वगैरह के, तो कितना इसमें वेट है और गियर के बारे में बात करें? 230 किलो इस मशीन का वेट है और हम आपको बताने वाले हैं इस मशीन के अंदर जो हमने बेरिंग यूज किए हुए हैं, 40 mm की इसमें हमने सापट लगाई हुई है, बिल्कुल, जो जम्बो मॉडल में 40 mm की सापट थी वो सेम टू सेम सापट इसमें लगाई हुई है, बिल्कुल। बेरिंग क्वालिटी की बात करें बात बहुत ही मजबूत हमने इसमें बेरिंग लगाए हुए हैं, 7 नंबर का इसमें बेरिंग है। अच्छा, जो ऊपर का जो कवर है वो भी हमने बहुत हेवी लगाया हुआ है, जो साइड में केप लगती है जी, वो केप वाला हमने इसमें पेडिसल यूज किया हुआ है, सबसे मजबूत जो पेडिसल हम बोलते हैं, सबसे मजबूत पेडिसल में सेफ्टी कवर वही सिस्टम भी वही है, पीछे चारा देने का जो सिस्टम उस मशीन में लगा हुआ है सेम टू सेम वही है जी। इसमें 3 मुंह है, वही क्वालिटी है जो अपने पहले वाले मॉडल में, जम्बो मॉडल के अंदर, बिल्कुल सर, वही व्हील लगे हुए हैं 8 mm के, इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर किसान भाई चाहे तो इसको घर के ऊपर भी 4 ब्लेड भी कर सकता है, 3 ब्लेड भी कर सकता है, 2 ब्लेड भी कर सकता है। अच्छा, जैसे कि सर इसमें आपने ये आपने ट्रैक्टर वाला जो बताया था 3000 किलो पर बताया था, इस मॉडल से फर्स्ट मॉडल था अपना, इस मॉडल के बारे में क्या कितना है इसका? 2000 किलो मोटर के द्वारा अगर किसान भाई चलाते हैं तो कम से कम 2000 किलो चारा काटेगी 1 घंटे के अंदर। और इस मशीन में भी एक ऑप्शन है, किसान भाई चाहे तो हमसे 4 ब्लेड का मशीन भी ले सकता है, 3 ब्लेड का भी ले सकता है। अब जैसे कि दोनों के अंदर मोटर का सिस्टम है, इसमें भी लग जाएगी मोटर, इसमें भी लग जाएगी, तो उसमें मोटर कौन सी क्वालिटी की देते हैं आप? इसमें हम मोटर देते हैं 3 HP की 140 mm मोटर के अंदर, हेवी क्वालिटी की ज्योति कंपनी की मोटर हम इसमें देते हैं किसान भाइयों को। फिर भी अगर किसान भाई कोई कंपनी का नाम जानता है तो उसका नाम बता सकता है, वो मोटर भी हम इसमें लगाने वाले हैं और उसकी अलग अलग रेट के हिसाब से हम किसान भाई को रेट देने वाले। जो किसान भाई मोटर नहीं लेना चाहते, पहले से कोई कुट्टी मशीन चला रहा था, मोटर उसकी सेफ है अभी और कुट्टी मशीन में कुछ दिक्कत होगी वो बदलना चाहता है, बिल्कुल, तो वो बगैर मोटर के आप दे देंगे? बिल्कुल सर, बिना मोटर भी हम देने को सक्षम है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लिमिटेड कंपनी के द्वारा ट्रांसपोर्ट में माल बेचते हैं। किसान भाई ट्रांसपोर्ट में जाके अपने माल को देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद वो बाकी का पेमेंट आपको कर सकता है, मतलब पूरे भारत के अंदर आप ये से देंगे आप? बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो तीसरा मॉडल देख पा रहे हैं आपका, इसका मुझे चारे वाला सिस्टम बिल्कुल अलग लग रहा है। बिल्कुल सर, इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपने बिल्कुल अलग मॉडल दिया है ये? सर, आपने बहुत सी मशीन मार्केट में देखी होगी जी, जो इसे पंजाब टोका बोलते हैं, उसमें सर क्या है कि साइड के अंदर मोटर लगती है। अच्छा, साइड में मोटर लगने से क्या होता है कि यहाँ पे पुली रहती है और यहीं पे वो बेल रहती है, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि बहुत सी महिलाएं जो होती है चारा या
हाथ में लेती है तो उसमें बेल्ट वगैरह में आने का डर रहता है। बिल्कुल जी, हमने कि ऐसा मॉडल निकाला है तो इसमें हमने दो बदलाव किए हैं। पहला बदलाव हमने किया कि गियर वाली मशीन के अंदर हमने लोहे का व्हील लगाया हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल हमने निकाला है। अच्छा, मार्केट के अंदर जो ट्रे मॉडल मिलता है वो मिलता है बीड के व्हील में। अच्छा, लेकिन हमने इसको लोहे की प्लेट के अंदर इसको लॉन्च किया है, वही 8 mm के हाई कार्बन स्टील के पुजारी के ओरिजिनल इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। बिल्कुल, 20 इंची का वही व्हील लगा हुआ है जी। इसको 3 ब्लेड 2 ब्लेड 4 ब्लेड भी आप कर सकते हो, जैसे कि हम मुट्ठा हम यहाँ हसा हरा बना लेते हैं। हाँ हाँ, इसकी दूरी और हमारे ब्लेडों की दूरी क्या है, कितनी है? 1.5 फुट ये ऊपर है सर। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी हम हाथ लगाते हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। पहली बात तो ये कि जो चरण यहाँ गिरेगा, बिल्कुल अगर आप यहाँ हाथ भी रखते हो, हम आपको डेमो भी करके दिखाने वाले हैं इसी मॉडल में, बिल्कुल बिना गियर वाली का जी। अब आपको खुद हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कितना ये सेफ्टी से काम करती है। दूसरी बात, गियर बॉक्स वही है सर, बिल्कुल वही, इसमें 7 नंबर के इसमें हमने पेडिसल यूज किए हुए, 40 mm की सापट है जी। सबसे बड़ी बात, इस मशीन को किसान भाई अगर मान लीजिए उसको कभी लाइट नहीं आती है, अच्छा, तो इसमें हमने एक ट्रैक्टर का सिस्टम भी दिया हुआ है। अच्छा, किसान भाई क्रॉस लगा के इस मशीन को ट्रैक्टर से भी चला सकता है। अच्छा, और सेफ्टी की बात करें जी, इसमें बिल्कुल नीचे मोटर लगने वाली है। अच्छा, ये तो एडवांस फीचर हो गया सर, इस मशीन में लगी हुई है मोटर, देखिए आप, जो हमने बिना गियर के मॉडल में मोटर लगाई है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी, बिल्कुल नीचे ये मोटर लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी। ये कौन किन किसान को आयोग के लिए बनाया मॉडल आपने? सर, जो किसान भाई इच्छुक होते हैं कि मेरे को तो बस नीचे गिराने वाला मॉडल ही चाहिए, हाँ, तो सर उन किसान भाइयों के लिए हमने ये मॉडल निकाला है कि मेरे को तो नीचे गिराने वाला कितना चारा है। ये सिटी की बात करें तो ये भी 2000 किलो चारा काट सकते हैं आसानी के साथ, सेम टू सेम वही मॉडल है, लेकिन इसको नेक्स्ट वर्जन करके इसको मैं ट्रे मॉडल में बना दिया। अच्छा अच्छा, अब जैसे बात करें सर, जैसे कि आपके सभी मॉडल ये जो हैं, तो ये सभी मॉडल हमारे धान की खेती होती है यूपी के अंदर ज्यादा, और पशुपालन करते हैं तो हरा चारे के साथ मिक्स करके जो है उसे काटते हैं। बिल्कुल, तो पशु ये धान की पराली को भी सारे मॉडल कहा से काट सकते हैं? बिल्कुल, धान की पराली को भी काटने में ये मशीन सक्षम है, कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। बिल्कुल, और इस मशीन में अगर अपन चदर क्वालिटी की बात करें तो 20 गेज का चदर हमने नीचे यूज किया हुआ है, जो ट्रे होगी वो लॉन्ग टाइम किसान भाइयों को कभी खराब नहीं होगी। बिल्कुल, और ऊपर की चदर की बात करें तो 16 गेज के अंदर हमने ऊपर वाला चदर किसान भाइयों के लिए अच्छा यूज किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और 7 इंची चौड़ा है, काफी मजबूत हमने इसको बनाया है। अच्छा, और हमारे पास किसानों की डिमांड आती है सर हमको यही मॉडल, सेम टू सेम यही मॉडल हमको बिना गियर के अंदर चाहिए, क्योंकि हमारे पास पशु कम होते हैं। ये गियर वाला था, अब ये आया था अगला मॉडल आपका, सेम टू सेम यही मॉडल है, केवल इसमें गियर बॉक्स नहीं है। रेट का अंतर आएगा, काफी अंतर है रेट का, क्योंकि किसान भाई बोलते हैं सर हमारे पास 2-3 पशु है, हमको मॉडल तो अच्छा लगा लेकिन हम गियर का पैसा खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास पशु कम है। अच्छा, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा मॉडल निकाला है जी, जिसमें गियर बॉक्स को हमने हटा दिया है, बाकी मशीन वही रखी है। अच्छा, वही मोटर नीचे लगने वाली है, बिल्कुल ट्रैक्टर का सिस्टम भी साथ में है, ट्रैक्टर का सिस्टम ये दे रखा, बिल्कुल दे रखा है सर हमने। और चदर क्वालिटी की बात करें, वही चदर क्वालिटी, सेम मतलब इसमें गियर बॉक्स का सिस्टम नहीं है, वही गियर बॉक्स का सिस्टम नहीं है, ये गियर इसमें लगी हुई है। बिल्कुल, इसमें किसान भाई को ऑयल ग्रीस करना होता है जी, घर पे जाने के बाद किसान भाई ध्यान रखे कि जो इसमें सिस्टम दिया हुआ है उसमें ऑयल ग्रीस जरूर करें। अच्छा, ऑयल ग्रीस की बात करें तो आपके सभी मॉडल मुझे लग रहा है ऑयल ग्रीस वाले होंगे। बिल्कुल, जो गियर बॉक्स है उसमें तो गियर बॉक्स वाला है, इसमें एक कितना ऑयल आएगा सर? इसमें तो क्या 1 लीटर ऑयल लगता है, हाँ, लेकिन जो गियर बॉक्स वाला है उसमें 2 लीटर ऑयल और 1 लीटर गैस लगता है। कितने समय तक काम कर देगा जो हमारा लाइफ टाइम है? लाइफ टाइम है उसमें, तो कोई दिक्कत ऑयल निकलता है नहीं बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें रहेगा। अच्छा अच्छा, दिखाते हैं आपको जी। इसमें हमने क्या किया सर, बिना गियर के अंदर हमने 2 ब्लेड किया, ब्लेड घटा दिए इसमें थोड़े से, 1 ब्लेड को हमने कम किया है, 2 ब्लेड का हमने इसको रखा है, क्योंकि जो बिना गियर का मॉडल होता है उसमें आयरन थोड़े स्लो होते हैं, तो ये 3 ब्लेड के बराबर कुट्टी बारीक कर देगा। अच्छा, अच्छा। भी जरूरत नहीं 3 ब्लेड करने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेरिंग देख लो आप, बिल्कुल जी, व्हील की मोटाई, मशीन की जो फिटिंग है जी, सब कुछ वो की वही है जी, और इसके रेट के बारे में भी किसान भाई को कम से कम 7,000 से 8,000 का इसमें फायदा होने वाला है। मुझे लगता है सर, जैसे कि मान कर व्हील दे रखा, आप चाहते तो क्वालिटी से समझौता ना करते तो इसे आप व्हील पतला भी कर सकते थे। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका ये क्वालिटी जो बहुत जबरदस्त जो गियर वाला प्लेट लगी हुई है वो इसमें सेम टू सेम यूज की हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला ये हम जो आपका मॉडल देख रहे हैं, हाँ सर, मॉडल तो आपके पास काफी है, क्योंकि आज मैंने ज्यादा रेंज नहीं रखवाई आपकी, बिल्कुल 6 की रेंज ही रखवाई, आप तो कह रहे थे कि और दिखा देते हैं, मैं कहा जी लंबी पड़ जाएगी वीडियो, तो इस मॉडल के बारे में बताइए थोड़ा सा जो है। सर ये जो मॉडल है जी, बहुत ही कम पशु रखने वाले किसान भाइयों के लिए हमने ये ट्रे मॉडल के अंदर हमने मॉडल निकाला है, इसमें हमने एक चेंजिंग किया है जी, जो अंदर का जो व्हील है हमने उसको बीड का व्हील किया है। अच्छा,
बहुत से किसान इच्छुक होते हैं कि हमको तो गंडासा ही लेना है। हाँ, ये हमको तो गंडासा ही लेना है, तो इसमें जो गंडास लगते हैं और राउंड ब्लेड वाले लगते हैं। हाँ, और ढलाई का व्हील है जैसे तो कि हमारी गंडासा मशीन होती है, वही सेम आपने सेफ्टी कवर के साथ ये आपने कर दी है। लेकिन इसमें हमने एक चेंज किया है, जो अंदर का जो व्हील होता है जी, वो बोझ से दुकानदार 10 किलो का लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर हमने इसमें जो अंदर का जो व्हील है वो हमने 14 किलो का लगाया, ताकि ये लॉन्ग टाइम चले और जल्दी से टूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सेम टू सेम वही सिस्टम है जी, ये बीड का आ गया आइटम, इसके अलावा ट्रैक्टर का सिस्टम बिल्कुल वही सेम है। बिल्कुल। मोटर नीचे लगेगी, नीचे का जब आ जाएगा, और तीन है जी, सेफ्टी कवर आप देख ही सकते हो जी। कितने पशु पे काम कर देगा ये सर? एक पशु से लेके 15 पशु 20 पशु आराम से बढ़े, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे जो भी मॉडल है वो आप कोई से भी पशु की क्वांटिटी के ऊपर यूज कर सकते हो जी। वो डिपेंड करता है कि अपना कितने रुपए खर्च करना है। अच्छा, ये जैसा मॉडल देख रहे हैं आपका अगला, हाँ, लास्ट मॉडल जो है आपका, इस मॉडल के बारे में हमारे किसान भाई को जानकारी दे। सर ये जो अपने जंबो मॉडल देखा था जी, ये उसका वर्जन है। हाँ, सेम टू सेम हमने वो सिस्टम किया, इसमें गियर बॉक्स हमने इससे हटा दिया है। अच्छा, किसान भाई कहते हैं सर हमको मॉडल तो अच्छा लगा लेकिन हमारे पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे। हाँ, तो हमको बाद में हमने नंबर एक पे लगाया वाला, उसी चीज को हमने वर्जन करके इसमें गियर बॉक्स को हटा दिया है। हाँ, बाकी मशीन वो रखी है हमने। अच्छा, अंदर से सेम बिल्कुल। देखो किसान भाई देखो, ये आपकी माइंड के ऊपर चतुराई दिखाना आपको है कि इसमें गियर बॉक्स नहीं है, और किसान भाइयों को ज्यादा गियर बॉक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आपके पास पशु कम है। हाँ, अगर आपको 5-10 मिनट कुत्ते, लेकिन माल वही जंबो मॉडल क्वालिटी वही है सर। बिल्कुल, देख सकते हो आप जो व्हील की मोटाई 14 मा मोटा है, ब्लेड की क्वालिटी की बात करें वही 8 एमएम का ब्लेड है, पुजारी का ओरिजिनल स्टील का ब्लेड है जी। बेरिंग फ्रेम डबल फ्रेम हमने मशीन बनाई है जी। बहुत सी मार्केट में जो मशीन होती है उसमें सिंगल फ्रेम यूज करते हैं जी, एक एंगल ये एक एंगल, लेकिन हमने डबल एंगल में इसको यूज किया कि मशीन वाइब्रेट नहीं करे। अच्छा, गराकेश जी मशीनें देख ली हमारे किसान भाइयों। बिल्कुल। इनकी गारंटी वारंटी किसान भाइयों को क्या देते हो आप? सर मशीन के अंदर अगर मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट होता है, हमारी कंपनी के मैन्युफैक्चर की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे कंपनी के द्वारा इस मॉडल को चेंज कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अगर किसान की वजह से कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कोई लकड़ी आ गई, लकड़ी जो तो आपने लकड़ी के लिए बारे में इतनी लकड़ी तो चल जाएगी, बारीक लकड़ी जो 1 इंच से कम मोटी हो तो चल जाएगी। हाँ। लेकिन आपको पता है कि सर बहुत सी बार कोई अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है। हाँ। तो सर उसमें मशीन की नुकसान हो जाता है, जैसे मान के जब हम खेत में गए और हम हरे चारे में कुछ मोटा डंडा सा रख लिया और भूल से हमने काट दिया वो, बिल्कुल आपकी उसमें काट दी। आप बताओ हमने के लिए एक मॉडल है जिसमें हमने ढलाई का व्हील यूज किया हुआ जी, छोटे किसानों के लिए। अभी जितने भी मॉडल आपने देखे सब में लोहे का व्हील है जी, तो आप ये चीज छोड़ दो कि हमारे मशीन में कोई दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेरिंग से लेके सापर से लेके अंदर की क्वालिटी से लेके गियर बॉक्स से लेके हर एक चीज का मैं काफी ध्यान रखा है। अब राकेश जी बताओ, जैसे मैं आपके यहाँ से करीब 550 किलोमीटर करीब करीब मैं आपके यहाँ आया हूँ, बिल्कुल मेरे माध्यम से जो आपकी चाप कटर मशीन लेता है किसान भाई, स्क्रीनशॉट भेजता है, तो उसे आप क्या छूट दोगे मेरे माध्यम से? सर आपके माध्यम से अगर हमें फोन करेगा जी, उन किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये मशीन डिलीवर करने वाले हैं, मतलब घर तक उनके पहुंचाने वाले, घर के नजदीक जो ट्रांसपोर्ट लास्ट जो वहां तक हम किसान भाइयों को डिलीवरी करवाने, मतलब हमारे माध्यम से जो लेगा उसे ट्रांसपोर्ट का पैसा बिल्कुल फ्री करेंगे, फ्री कर। और किसान भाई अपनी इच्छा के अनुसार एक ब्लेड का सेट हम किसान भाइयों को फ्री देने वाले हैं, इसमें भी आप देने वाले हैं सर। लेकिन सर जो 8 mm का ब्लेड लगा हुआ है वो ब्लेड इसमें लगा हुआ है जी, और 3 mm का ब्लेड का सेट हम किसान भाइयों को फ्री देने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा इन मॉडल पर जो है? सर बुकिंग अमाउंट की बात करें 5,000 रुपए किसान भाइयों को हमारे राम एग्रो केकड़ी के जो करंट अकाउंट है उसमें आपको बुकिंग करवानी है जी। बुकिंग करवाने के अगले दिन आपको ट्रांसपोर्ट की बिल्टी मिल जाएगी जी, और 3-7 दिन के बीच में मशीन कभी भी आपके पास पहुंच सकती है जी। देखो सर ऑल ओवर इंडिया में साउथ का अलग एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, अपने वेस्ट का अलग है जी। तो सर ट्रांसपोर्ट में हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा काम होता है, कभी कभी ऐसा जाता है कि 7 दिन बताया आपने, बिल्कुल 10 दिन भी 12 दिन भी लग जाते हैं, किसान ये सोचता है कि हमारा पैसा डूब तो नहीं गया, वो बहुत डर जाते हैं। किसान भाई हमारे आपसे यही गुजारिश है, आपका पैसा कहीं गलत जगह नहीं है, आपने जो मशीन बुकिंग करवाई है सेम टू सेम वही मशीन आपको मिलने वाली है जी। हमारी ये भी गारंटी रहेगी कि जो अपन ने बात करी है, जो मशीन आपको दिखाई है, अगर वो आपको मशीन नहीं मिले तो ट्रांसपोर्ट में आप माल मत उठाना, हम आपको पेमेंट वापस कर देंगे। बिल्कुल जी, ये बात बहुत अच्छी है आपकी लगी मुझे जो है। तो किसान भाइयों, आज राकेश जी ने आपको इतने अच्छे अच्छे मॉडल आपको दिखाए, वीडियो के अंदर आपने डेमो भी देखा, डेमो के अंदर मशीनें बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी जम्बो मॉडल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सभी मशीनें ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि जिन किसान भाइयों को जरूरत होती है उनके पास आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दोस्तों उनका लाभ आपके माध्यम से हो सकता है। आशा करता हूं
जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।